अभी मेरी मौजूदगी नालंदा के हेडक्वार्टर बिहार शरीफ में है और नालंदा शिक्षा के लिए ही जाना जाता है, नालंदा यूनिवर्सिटी इसकी पहचान थी। और अभी आए दिन बिहार शरीफ में एक से एक कोचिंग खुलते रहते हैं और बिहार शरीफ में प्रगतिशील क्लासेस के संचालक जो सोनू सर थे वो CBSE के लिए स्पेशल नया कोचिंग भी ओपन किए हैं जिसका नाम है द लर्निंग फाउंडेशन। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है 6th to 10th सिर्फ CBSE बच्चों के लिए। थोड़ा सा मैम से जानते हैं क्या क्या फैसिलिटीज कोचिंग में रहेगी और बच्चों को क्या कुछ खास मिलेगा और सारे जो कोचिंग है उनसे क्या खास मिलेगा इस कोचिंग में, तो ये मैम से जानते हैं जो मैम पढ़ाएंगे यहाँ पे। सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार दर्शकों को, हमारा जो कोचिंग है हमारा और मैम दोनों मिलकर खोले हैं। इसमें क्या है ना कि फुल्ली हम लोग CBSE मीडियम पढ़ाएंगे जिसमें हम लोग 6th से 10th को बच्चों को पढ़ाएंगे और हर पेपर की पढ़ाई होगी जिसे पढ़ाई का हम लोग का लेवल है कि यहाँ देख रहे हैं बच्चों में ज़्यादा वीक होते हैं, तो हम लोग बेसिक सिलेबस और फाउंडेशन तीनों पैटर्न को एक साथ लेकर चल रहे हैं। उसी में हम लोग 6th क्लास से ही बच्चा को IIT और मेडिकल लेवल का बेसिक फाउंडेशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं और साथ में सिलेबस भी। तो क्या लगता है सर बिहार शरीफ के बच्चे IIT कर सकते हैं क्या? IIT जैसे बड़े एग्जाम बिहार शरीफ के बच्चे मतलब सपना देखते हैं बट यहाँ पे एजुकेशन की कमी है तो ऐसा हो नहीं पाता उनका सपना साकार, तो वो सपना हो सकता है पूरा? बिल्कुल अब सपना पूरा हो जाएगा क्योंकि हम लोग 6th क्लास से ही बच्चा को फाउंडेशन देना शुरू कर देंगे। 6th क्लास से ही हमारा टारगेट है कि बच्चा को बेसिक सिलेबस और फाउंडेशन तीनों लेवल की पढ़ाई होगी। ओके, अब मैडम से हम जानने वाले हैं, मैडम क्या कुछ खास बताएंगे बच्चे को अपने अंदाज में? आपका शुभ नाम मैम? मेरा नाम अदिति शाह हुआ। तो आप बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करेंगे मैम? देखिए यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो बच्चे यहाँ पे जो आएंगे सर, तो और जगह पे बच्चे क्या होते हैं कि कुछ क्वेश्चन करने में टीचर से है ना, हाँ डरते हैं बहुत तरीके से, तो यहाँ पे बच्चे को मतलब इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि नहीं आपको नहीं आ रहा इसी वजह से आप यहाँ पे क्या किए कोचिंग ज्वाइन किए अपने एजुकेशन को और बेटर करने के लिए ये कोचिंग ज्वाइन किए हैं। तो अगर आप बच्चे को अगर डरना है तो वो डिसिप्लिन में अगर किसी तरीके का गड़बड़ी करते हैं तो बच्चे को डरना, अदरवाइज बच्चे को किसी भी फील्ड में किसी भी तरीके का किसी भी तरीके से क्वेश्चन करने में डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बच्चे टू बी फ्रैंक आराम से टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी तरह का दिक्कत है उसको सोल्यूशन उसका मिल सकता है बच्चे को, है ना। और बच्चे से मैम बोल रहे हैं जैसा कि बॉन्डिंग होना भी चाहिए, एक टीचर और बच्चे का संबंध दोस्त की तरह होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे डरते हैं पूछ नहीं पाते हैं डर के मामले में। और जिनका बेसिक कमजोर रहेगा मैम उस बच्चे को आप कैसे मतलब? देखिए जिनका बेसिक कमजोर है सर, तो ऑलरेडी जैसे कि सर बताएं कि हम लोग बेसिक जो है पहले पढ़ाते हैं, मतलब और जगह पे जो एजुकेशन का जो स्तर है उसका जो पढ़ाने का तरीका है वो क्या होता है डायरेक्टली आप आए और टीचर आते हैं और 6th क्लास का अगर बच्चा है तो वो हाँ 6th क्लास का पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है अगर 6th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे या 10th को बच्चे को पढ़ा रहे तो 10th का सिलेबस जो है आपका जो जो भी है आपको पढ़ाया जाता है उसमें क्या होता है एक लेवल लो करके बच्चे को बताया जाता है ताकि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट फिर बच्चे का जो है सिलेबस पे आते हैं, उसके बाद हम लोग बच्चे को फाउंडेशन देते हैं ताकि बच्चे को अच्छे तरीके से समझ में आए। और उसके बाद अगर बच्चे को फिर भी कोई दिक्कत रहता है उसके लिए डाउट क्लासेस एक्स्ट्रा क्लासेस का भी यहाँ पे व्यवस्था किया गया बच्चे के लिए। और जो कोचिंग का एग्जैक्ट लोकेशन है वो बता दीजिएगा? एग्जैक्ट लोकेशन तो सर यहाँ पे इसका ये है आलमगंज मदरसा कॉम्प्लेक्स बिहार शरीफ जी। और आपको मैं स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा सर का जिससे आप डायरेक्ट चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस कोचिंग में क्या क्या फैसिलिटीज है मैम जो आप बता दीजिएगा? फैसिलिटीज में सर मेनली रूप से देखा जाए तो 6 पेपर का पढ़ाई है जिसमें कि आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश और SST का है। सारे पेपर के लिए अलग अलग फैकल्टीज यहाँ पे हम लोग ये किए हैं हायर किए जी 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 स्पेशलिस्ट टीचर्स यहाँ पे हैं बच्चे के लिए। यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है कोई चीज़ थियोरेटिकली पढ़ाया गया तो उसको विजुअलाइज कराने के लिए पढ़ाने के लिए यहाँ पे प्रोजेक्टर क्लास का भी व्यवस्था है AC क्लासरूम में सर। डिसिप्लिन को देखते हुए यहाँ पे कैमरा का भी व्यवस्था किया गया है ना। DPP का व्यवस्था किया गया है डेली प्रैक्टिस पेपर जो बच्चे को रोज 5-10 क्वेश्चन बच्चे को प्रैक्टिस के लिए दिया जाए है ना। स्कॉलरशिप का भी व्यवस्था दिया गया है, वीकली टेस्ट जो होता है उसके लिए बच्चे को है ना, और प्योरीफायर का भी व्यवस्था है बच्चे के लिए। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो बेस्ट एजुकेशन के लिए बेस्ट कैंपस बेस्ट पढ़ाई बेस्ट टीचर है ना, बेस्ट एनवायरमेंट बेस्ट लोकेशन है ना, सारा चीज यहाँ पे बच्चे के लिए हम लोग बेस्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आगे भी हम लोग मतलब क्या लगता है बिहार शरीफ में सबसे बेस्ट कोचिंग हो पाएगा मैम? जी 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 एकदम एकदम सर, हम लोग प्रयास में लगे हुए हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं सर। इसके टारगेट ये है कि बिहार शरीफ का सबसे बेस्ट कोचिंग नहीं बेस्ट रिजल्ट भी देना है, कोचिंग के साथ साथ रिजल्ट भी हमको चाहिए। इसीलिए तो हम लोग पढ़ाई का पैटर्न पहले चेंज कर दिए हैं कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करवाएंगे तो पहले उस टॉपिक का पूरा बेसिक कंप्लीट करवाएंगे तब उसके सिलेबस पे आएंगे, उसके बाद उसका थोड़ा हाई लेवल यानी फाउंडेशन लेवल पे आएंगे
और हम लोग जब टेस्ट भी लेंगे तो सेपरेट लेंगे, बेसिक सिलेबस का एक अलग, फिर बेसिक सिलेबस फाउंडेशन का एक अलग रख लेते हैं। इसके लिए हम लोग डेली DPP के नाम से हम लोग डेली प्रैक्टिस पेपर देंगे बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए। और जो यहाँ पे कुछ शिक्षक हैं हम उनसे बात कर लेते हैं, आपको आगे वीडियो में उनसे मिलवाते हैं। कभी कभी बातों को हम लोग यहाँ पर शेयर कर रहे हैं बच्चों के साथ, में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे एंटरटेन कर सकते हैं और कैसे लाइफ में आगे बढ़ के अपना मंजिल हासिल। बिहार सिर्फ में ऐसा एजुकेशन कोचिंग का बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, क्योंकि बिहार सिर्फ में बहुत सारे ऐसे कोचिंग की कमी भी है। सर, बिहार सिर्फ में एजुकेशन क्वालिटी को बेहतर करने के लिए आप मतलब किस तरीके से बच्चे को ट्रीट करिएगा? सर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि सिर्फ आपको थ्योरी नॉलेज नहीं दिया जाता है, यहाँ पे आपको जो पढ़ाया गया है वो एक्चुअली रियल लाइफ में कैसे होता है वो आपको हम वीडियो क्लास के थ्रू, स्मार्ट क्लास के थ्रू। अच्छा, स्मार्ट क्लासेस? हाँ, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है, आपको फिजिक्स में मिल जाएगा, केमिस्ट्री में, यानी कि हर SST में सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको। तो हम लोग जो पढ़ाते हैं वो सिर्फ पढ़ाते नहीं, इसको दिखवाते हैं, विजुअलाइज करते हैं, क्योंकि हमें पता है आज के ज़माने में ऑडियो विजुअल टेक्निक ही बेस्ट है एजुकेशन के लिए। तो ये हम लोग अपने ब्रांच में देते हैं, जो कि सबसे यूनिक बात है, आपको ये चीज़ बहुत ही रेयरली कहीं जगह पर मिलेगा। और सर मैं बायो का टीचर हूँ। ओके, बायो का। तो बायो को किस तरीके से मतलब ट्रीट कीजिएगा सर, कि बच्चों को डायरेक्ट मतलब जल्दी समझ में आ जाए? बायो ओवरऑल डायग्राम्स का ज्यादा इशू रहता है, तो डायग्राम प्रॉपर अगर देखे और एनिमेशंस के साथ देखे, एनिमेशन के साथ मतलब, हाँ एनिमेशंस के साथ, तो ज्यादा विजुअलाइजेशन समझ में बहुत जल्दी आता है, बहुत ज्यादा समझ में, इसलिए यहाँ स्मार्ट क्लासेस का भी व्यवस्था किया गया है ताकि बच्चों में जो स्किल है ज्यादा इनहांस। और लास्ट में बिहार सिर्फ के बच्चों के लिए जो यहाँ पे अभी नहीं आ रहे उनको आप क्या बोलिएगा? मैम, उनसे मेरा ये दरख्वास्त रहेगा कि आप आइए यहाँ विजिट कीजिए, है ना, 2-3 दिन का डेमो क्लास लेकर के भी आप देखिए, तो बेस्ट एजुकेशन के लिए आप हमसे जुड़िए, हमारे संस्थान से जुड़िए, है ना, तो और अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए थोड़ा सा आप लोग जुड़ सकते हैं यहाँ पे, और बच्चे का भविष्य जो है निखर सकता है यहाँ पे आने से, है ना। तो सभी को धन्यवाद।